एक बड़ी जानकारी के साथ पलवल से बड़ी खबर आ रही है। उदय भान के विवादित बयान पर सियासी संग्राम तेज हो चुका है। पलवल में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। पलवल जिले के तीनों बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उदय भान के आवास के सामने तक बीजेपी का मार्च विरोध में मार्च किया गया है। विवादित बयान को लेकर यह मार्च किया गया है। उदय भान के विवादित बयान पर सियासी संग्राम तेज हो चुका है। पलवल में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ, और पलवल जिले के तीनों बीजेपी विधायक जो हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उदय भान के आवास के सामने तक बीजेपी ने मार्च किया। वहीं पलवल में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। उदय भान के आवास के सामने तक बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया उनके विवादित बयान को लेकर, पीएमसीएम को लेकर जो विवादित बयान उन्होंने दिया उसके बाद से अब सियासी संग्राम, एक सियासी रार देखने को मिल रही है। पलवल में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पलवल से बीजेपी के तीनों विधायकों ने प्रदर्शन किया कांग्रेस के खिलाफ। रोष प्रदर्शन किया गया विवादित बयान को लेकर और माफी मांगने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि माफी मांगिए। उदय भान के विवादित बयान पर सियासी संग्राम तेज हो चुका है। एक सियासी रार देखने को मिल रही है। हमारे साथ संवाददाता दिनेश कुमार शहरावत जुड़ चुके हैं। दिनेश, बताया जा रहा है कि पलवल में बीजेपी का रोष प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के विवादित बयान को लेकर, क्या कुछ ताजा जानकारी? तो वहीं पलवल जिले के तीनों बीजेपी विधायक जो हैं वो प्रदर्शन में जुटे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उदय भान के आवास के सामने तक बीजेपी ने मार्च कर प्रदर्शन किया। उदय भान के विवादित बयान को लेकर सियासी संग्राम तेज हो चुका। उदय भान का विवादित बयान देखने को मिला और उस बयान के बाद बीजेपी के छोटे बड़े नेता चौतरफा हमला कर रहे हैं कांग्रेस पर, और कांग्रेस की तरफ से मानो चुप्पी साध ली गई। कांग्रेस के शीर्ष नेता चुप्पी साध रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी की तरफ से अब प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ। जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से विवादित बयान, विवादित शब्द बोल गए और शब्द जो है वो कहे गए, उसके बाद अब एक बार फिर से सियासी संग्राम तेज हो चुका है। इस विवादित बयान को लेकर सियासत तो गरमाई है और एक राजनीतिक रार दोनों पार्टियों के बीच में आन पड़ी है। उदय भान के विवादित बयान को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। तो हमारे संवाददाता दिनेश कुमार शहरावत जुड़ चुके हैं। दिनेश, विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन है, बीजेपी के तीनों विधायक पलवल से प्रदर्शन में उतरे, क्या कुछ ताजा जानकारी है? अभी फिलहाल क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए बसंत जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर को लेकर जो टिप्पणी की, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी भाजपा आक्रामक मोड पर दिखाई दे रही है। आज भाजपा के तीनों विधायकों ने अपने समर्थकों के साथ, आज पूरी भाजपा की टीम के साथ होडल में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को शांति मार्च कहा गया और नारे लगाए कि रघुपति राघव राजा राम और वो चौधरी उदय भान को बुद्धि दे भगवान, इस तरह के नारे लगाए गए। और यह प्रदर्शन उदय भान के घर के सामने से होते हुए निकला, इनके निवास पर हुआ। लेकिन उसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनका विरोध करते हुए दिखे। चौधरी उदय भान के निवास पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, उन्होंने नारे लगाए कि भाजपा सरकार में दलित महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से संसद के अंदर रमेश भदुड़ी सांसद ने बसपा सांसद पर अमर्यादित टिप्पणी की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज जरूरत है कि भाजपा ने अपने गरेबान में झाके, और प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा कुछ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आमतौर पर इस तरह की भाषा लोग बोला करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में जो है कांग्रेस और भाजपा समर्थक यहाँ से होते हुए देखे। कोई टकराव ना हो इसके लिए भारी सुरक्षा बल यहाँ पर लगाए गए थे, कमांडो की तैनाती की गई ताकि कोई टकराव ना हो। लेकिन इस बारे में भाजपा के जो विधायक हैं, तीनों विधायक, बात करो पलवल विधायक दीपक मंगला, हसीन विधायक प्रवीण डागर, होडल विधायक जगदीश नायक सहित सभी की ये मांग थी कि इस तरह से जो
जो पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी, वो पूरे विश्व के में उनकी लोकप्रियता है जिस तरह से टिप्पणी की है, ये ठीक मुझे आदत है। है बिल्कुल। दिनेश कुमार बने रहिए हमारे साथ। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है, अब बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया।